हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को फेस ग्लोइंग का फेशियल बताऊंगी, जो स्किन वाइटनिंग और बहुत ही फेस ग्लो होता है। जैसे कि मेरा फेस ग्लो हो रहा है और मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, जो मैंने फेशियल किया है होम प्रोडक्ट से, उसी से मेरा स्किन बहुत ही अच्छा होता है और मैं वो ही करती हूँ घर पे। एटलीस्ट आपको एवरी 2 वीक में एक बार आप कर सकते हो घर पे, और सीरियसली आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। केमिकल जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे बंद कर दो लगाना, क्योंकि केमिकल से क्या है, हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या है और क्या मिक्स है, तो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, वैसा हो जाता है और स्किन हार्म होती है उससे। तो हमें घर के प्रोडक्ट से हमें फेशियल कैसे करना है वो मैं अभी आपको सिखाऊंगी, जो मैंने किया है फेशियल। तो पूरा फेशियल देखना मैंने कैसे किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करना, सिर्फ एक लाइक करना है यार। आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हो, आप देखते तो हो बट लाइक नहीं करते, सिर्फ एक लाइक करना है आपको और कुछ नहीं। मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको और भी कुछ टिप्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, सो इससे पहले मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीज़ मैंने यूज़ की है। मैंने लिया है दूध की मलाई, दूध, चावल का आटा और बेसन और एलोवेरा जेल। ये सारे चीज़ मिला के मैंने फेशियल किया है मेरे फेस पे, और मैंने सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया है मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और मैंने कुछ नहीं लगाया है, इनफैक्ट ना काजल ना लाइनर, कुछ भी नहीं लगाया है। तो आप भी ये फेशियल ट्राई करो घर पे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो हैव अ लुक, मेरा वीडियो देखो, और उससे पहले जो मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी अच्छी टिप्स दूंगी आपको, जो कि घर पे आप इजीली कर सकते हो, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बाय बाय, लव यू। सो हम करते हैं फेशियल घर की चीज़ों से। तो उसके लिए मैंने लिया है दूध की मलाई, स्क्रब के लिए लिया है मिल्क और चावल का आटा, और जेल मैंने लिया है एलोवेरा, ठीक है। तो अब मैं पहले क्लींजिंग करूँगी। तो क्लींजिंग के लिए हमें लेना है दूध का मलाई, तो दूध के मलाई से अब मैं क्लींजिंग करूँगी फेस को। तो दूध का मलाई मैंने अप्लाई कर दिया फेस पे, लिया है टिश्यू पेपर, अब इसको क्लीन करते हैं। इसे आपको वॉश नहीं करना है, क्लीन करना है टिश्यू, जो भी डर्ट रहेगा वो सारा टिश्यू पेपर पे आ जाएगा। ओके, इतना कुछ डर्ट नहीं है। जब भी ये आप करो, पहले आप फेस को अच्छे से वॉश कर लो और उसके बाद आपको ये फेशियल करना है। ओके, सो दूध की मलाई से क्या होता है, जो भी डर्ट है आपके फेस पे वो सारा रिमूव हो जाता है, अच्छे से क्लीन हो जाता है फेस। पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर आपको है तो पिंपल्स रिमूव हो जाते हैं उससे, दूध की मलाई से, और आपको जो डार्क स्पॉट्स है ना वो सारे भी रिमूव हो जाते हैं इससे। तो दूध की मलाई बहुत अच्छी है क्लींजिंग के लिए अगर आप यूज़ करते हो। क्रीम तो सारे मतलब आर्टिफिशियल्स है, कोई अच्छा नहीं है, सब में केमिकल्स आते हैं। तो इससे अच्छा मैं प्रीफर करूँगी आपको कि दूध की मलाई आप यूज़ करो एज ए क्लींजिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो अब मैं करूँगी स्क्रब। सो स्क्रब मैं करूँगी चावल के आटे से, जो दूध के करूँगी स्क्रब, जो दूध के अंदर मैंने पेस्ट बना के रखा है। तो स्क्रब आपको चावल के आटे से करना है, उससे क्या होगा, बहुत अच्छे से स्क्रब होगा आपका फेस, और इसमें भी कोई केमिकल नहीं है तो ये आपकी स्किन के लिए हार्म नहीं है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब मैं स्क्रब के लिए लूँगी, तो इसको आपको ऐसे हाथ में लेना है और फिर करना स्क्रब। चावल के आटे से ना आपको कुछ
प्रॉब्लम होगी ना इचिंग होगा, कुछ नहीं होने वाला। और चावल का आटा अगर जो समझता है बहुत हार्ड रहता है, चावल का आटा हार्ड नहीं रहता, वो दूध के अंदर या फिर पानी के अंदर अगर हम पेस्ट बनाएंगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर आर्टिफिशियल अगर आप यूज़ करते हो स्क्रब, तो उससे अच्छा तो ये है, आप ये यूज़ करो। तो मैंने स्क्रब कर लिया है, अब मैं इसको रिमूव करूँगी। मैंने एक बाउल में पानी लिया है और सॉफ्ट हैंकी है, आपको स्पंज से तो करना है तो स्पंज से भी कर सकते हो, या फिर सॉफ्ट हैंकी लेना जो क्लीन हो। हो सके उतना नेचुरल चीज़ यूज़ करो अपने फेस के लिए, ना ही आर्टिफिशियल कुछ केमिकल अप्लाई मत करो अपने फेस पे, वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, आपके फेस को प्रॉब्लम हो सकती है और इसी वजह से फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम और वो सब आता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है और हमारे स्किन के लिए वो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इससे जब घर की चीज़ यूज़ करोगे वो बहुत अच्छा है आपके फेस के लिए। ये देखो, सो अब मैं करूँगी जेल का मसाज, जो है एलोवेरा का जेल, पतंजलि का। तो जेल मसाज करूँगी, इतना लेना है आपको। जेल मसाज अंडर आई, नोज और फोरहेड। फोरहेड पे करना है, आईज। अपर लिप्स, फेस पैक। तो फेस पैक के लिए लिया मैंने बेसन, उसके अंदर है दूध की मलाई और दूध, बस इसी से मैंने ये पेस्ट बनाया है। तो अब मैंने ये लगा दिया है फेस पैक, तो अब हम सूखने का वेट करेंगे। जब तक ये गीला है आप बात कर सकते हो, अगर थोड़ा सा सूखने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा कड़क कड़क फील हो रहा है, हार्ड हो रहा है, तो आप बातें करना बंद कर देना। नहीं तो बातें जितना करोगे ना, जो रिंकल्स आएंगे, जो भी मार्क आता है, वैसे फिर रिंकल्स हमारे फेस पे आ सकता है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जब भी कुछ भी कोई भी फेस पैक आप लगाओ, बातें मत करो, नहीं तो रिंकल्स आ सकता है अपने फेस पे। सो अब मैं वेट करूँगी 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स के बाद आपको बताती हूँ मेरा फेस कैसा हुआ। ओके, सो इट इज वेट। सो आपने देखा मैंने फेशियल कैसे किया है और उसका रिजल्ट है ये। मैंने क्लीन किया फेस और मेरा रिजल्ट देख लो, कितना अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन। और सच्ची यार, ये करने के बाद ना आपको ना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी, जो सन टैनिंग होती है ना वो भी रिमूव हो जाता है इससे, ठीक है। और आपको जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स है, और समझो कि एकदम पैचीज़ा कैसा अपना फेस हो जाता है, वो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। आपका स्किन बहुत ही क्लीन नज़र आएगा आपको। बस इतना ही आज था मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ और कोई प्रोडक्ट पे। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स लोगों से, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर, बाय।